क्योंकि साथियों बाबा साहब वो शख्सियत थे कि जब बाबा साहब ने हाई स्कूल पास की तो महाराष्ट्र में महार जाति में बाबा साहब ऐसे इकलौते इंसान थे, ऐसे नौजवान थे जिन्होंने पहली बार किसी ने हाई स्कूल किया था। तो वहाँ के लोगों ने, उस गली मोहल्ले के सभी बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि हमारे जाति का लड़का, महार लड़का हाई स्कूल पास किया है, अभी तक किसी महार ने हाई स्कूल पास नहीं की है, तो इसका मान सम्मान करते हैं। तो जैसे आज ये मंच सजाया है, ऐसे ही मंच सजाया गया और बाबा साहब को बुलाया गया कि भाई अंबेडकर, तुमने हाई स्कूल अच्छे अंकों से पास की है और तुम पहले ऐसे आदमी बन गए हो भारत के कि जिसने हाई स्कूल पास किया है, तो आपका मान सम्मान किया जाएगा और आप पहुंचे। चूंकि बाबा साहब की शादी बचपन में ही हो गई थी, तो बाबा साहब ने अपनी पत्नी इसी रमाबाई से कहा कि रामा, ये मेरे गली मोहल्ले के लोग मेरा मान सम्मान करेंगे और तुम भी आना, देखना कि मान सम्मान कैसे होता है। और बाबा साहब अपना सूट वूट पहनकर मान सम्मान में चले गए, लेकिन माता रमाबाई असमंजस में थी कि मैं क्या पहनकर जाऊं और क्या नहीं। माता रमाबाई ने सारा घर खंगाल दिया, लेकिन कोई भी अच्छी एक साड़ी नहीं मिली जिसे माता रमाबाई पहनकर चली जाती। और एक पुरानी साड़ी वहां पर थी, उसी साड़ी को पहनकर माता रमाबाई उस सभा में जाकर, जहां महिलाएं पीछे खड़ी थी वहां जाकर खड़ी हो गई। और जब बाबा साहब को मान सम्मान मिला था तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि मेरे पति को आज मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन मैं पैसे के अभाव से, मेरे पास साड़ी ना हो करके मैं यहीं दूर खड़ी हूं। और जब बाबा साहब मान सम्मान लेकर जैसे गली से गुजर रहे थे, उस सम्मान सभा से निकल रहे थे, तो आमना सामना पति पत्नी का हो जाता है, लेकिन उधर माता रमाबाई मुंह छुपाने लगी और उधर बाबा साहब भी अनजान बनने लगे। और बाबा साहब की आंखों में आंसू आने लगे कि अगर मेरी पत्नी के पास आज अच्छी साड़ी होती तो शायद वो मंच के पास में होती, लेकिन बाबा साहब के पास इतने पैसे नहीं थे जो रमाबाई को एक साड़ी दिला सकें। और जब घर आकर दोनों मिले और आमना सामना हुआ, तो बाबा साहब ने कहा कि रामू, मुझे क्षमा करना, मैं तेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी भी नहीं दिला सका, और मुझे मालूम है कि अगर तेरे पास अच्छी साड़ी होती तो तू साड़ी को पहनकर मंच के पास जरूर आती और यहां की औरतों को बताती कि देख, मेरे पति का मान सम्मान हो रहा है, मेरा पति ने अभी तक 10वीं पास की है जो अभी तक किसी ने भी नहीं की है। लेकिन सम्मानित साथियों, उसी रमाबाई के त्याग ने बाबा साहब को हाई स्कूल तो क्या, इतनी डिग्रियां दिलाई कि आज तक आजाद भारत में, अभी तक की, आज तक की डेट में इतना बड़ा कोई डिग्रीधारी या पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी माता रमाबाई के सम्मान में आज जो ये मंच सजाया गया है, उनको नमन कर रहे हैं लोग।